ये जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवि ने बताया है, इनके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, ये उनके द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने इसमें बताया है इस कविता में कि बादलों की गोद से निकलकर मोती बनी एक बूंद का सफर किस प्रकार उसके लिए कठिनाइयों को युक्त था। उन्होंने कविता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत से काम लेने का संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचाया है। हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी पुस्तक का पाठ एक बूंद कविता को पढ़ेंगे। पहले इस कविता को मैं आपको पूरा सुनाऊंगी, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसकी पंक्तियों का अर्थ को जानेंगे। तो ये कविता है एक बूंद, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। आइए इस कविता को हम लोग साथ में पढ़ते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमने, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बने। लोग यूं ही झिझकते हैं सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर।